अमेरिकी सरकार ने एलॉन मस्क की एक कैंपेन अमेरिका पीएससी को चेतावनी दी है। मस्क ने इसके तहत अमेरिका में चुनाव से पहले वोट देने वाले मतदाताओं में से रोज एक मतदाता को $1 मिलियन यानी कि 8.4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि यह गैर कानूनी है। दरअसल अमेरिका में चुनाव से कुछ दिन पहले वोटिंग की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है, इसे अर्ली वोटिंग कहते हैं। मस्क ने शनिवार और रविवार को पेंसिल्वेनिया में एक पुरुष और एक महिला को $1 मिलियन का चेक भी दिया। उनकी टीम ने बताया कि सोमवार का विजेता नॉर्थ कैरोलिना से चुना गया है। मस्क की इस कैंपेन से अमेरिका की बाइडेन सरकार नाराज है। दरअसल मस्क अमेरिकी चुनाव में पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। वो ट्रंप के लिए $1,00,000 खर्च भी कर रहे हैं। वोटर्स को पैसा देने का ऐलान भी इसी से जुड़ा है। इसका मकसद स्विंग स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है।